हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं देसी मुर्गा फार्म हरियाणा। अब तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती है। अब आज 16 तारीख है, 16 जनवरी 2023, ये आप देख सकते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होगा मैं टाइम बता देता हूँ आपको। अभी 6 बजने वाले हैं, 5:52 हो चुकी हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही इस टाइम। और हमारे पास जितने भी जानवर हैं सभी ओपन पेड़ों में बैठते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे अंधेरा होगा, ये सब के सब पेड़ों में बैठना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आप, और कितने भी सर्दी हो ये रात को इन्हीं पेड़ों पर रहेंगे। इनसे आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों का, बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। ये देख सकते हो आप, ये जितने भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सब के सब, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े रात को, ये सब बाहर रहेंगे। ये देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, ये देखिए आप, ये देख सकते हो। ऐसे ही सभी पेड़ों पर बैठे जाते हैं। जैसे अंधेरा होना शुरू होता है सभी, अभी आपको फार्म में कहीं भी कोई इक्का दुक्का ही नज़र आएगा, वरना आप देख सकते हो लगभग सभी पेड़ों पर बैठना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये किन्नू का बाग है लगभग 1 एकड़ के अंदर। ये देखिए आप, लगभग सभी पेड़ों में आपको अभी ये दिखाई देंगे। इससे आगे और ले चलता हूँ। ये देखिए, कई बार तो सर्दी इतनी पड़ती है कि सुबह ये जब नीचे उतरते हैं पेड़ों से, तो इनके ऊपर पंखों के ऊपर बर्फ़ जमी होती होती है, लेकिन इनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लगभग सभी पेड़ों पे बैठे हुए मिलेंगे आपको। थोड़ा और अंदर भी मैं आपको नज़र में दिलवा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये असील के हैं जो आप सामने देख रहे हैं, और असील के भी हमारे पास ऐसे ही पेड़ों में बैठते हैं रात को। इनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं कर रखी हमने। इससे आगे मैं आपको ले चलता हूँ। पंद्रह या 20 मिनट के बाद में आपको कोई भी पक्षी नीचे नज़र नहीं आएगा। जितने भी हैं वो सभी पेड़ों पे बैठ जाएंगे, ये आप देख सकते हो। कई कई पेड़ों पर तो ऐसा लगता है जैसे मुर्गी लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये सामने देख सकते हो, हर पेड़ पे यही हाल है। ये देख सकते हो, ये बहुत दूर तक उड़ारी लेते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है सभी के सभी पेड़ों पर बैठना शुरू कर देते हैं, और सारी रात इन्हीं पेड़ों पर बैठते हैं। सुबह जैसे ही 4:30 होते हैं तो नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। तब तक कितनी ही सर्दी हो ये पेड़ों पर रहते हैं। इससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक, ये डरते हैं अभी। अभी कुछ देर बाद ये फिर वापस बैठ जाएंगे इन्हीं पेड़ों पर। ऐसे बहुत से अभी काफ़ी ये जैसे नीचे घूम रहे अभी इस तरफ। अब हम इधर आ गए तो थोड़ा डरते हैं, इसकी वजह से नीचे उतर गए, वरना सभी इन्हीं पेड़ों पर बैठना शुरू कर दिया इन्होंने। और 20-25 मिनट के बाद आपको नीचे एक भी पक्षी नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हो, ये सभी के सभी, कितनी सर्दी हो रात को ऐसे ही पेड़ों पर बैठे रहते हैं।
अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहला आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनके बैठने का तरीका, आप मेरे साथ एक बार बने रहें। अभी जो ये नीचे घूम रहे हैं 10 मिनट के बाद अभी दिखाता हूँ आपको, ये सभी ऊपर बैठ जाएंगे। अभी कुछ देर के बाद आपको कहीं भी मुर्गा नज़र नहीं आएगा, सब के सब पेड़ों पर बैठ जाएंगे और रात को कितनी भी ठंड होगी तो ये पेड़ों पे रहते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा सबके सब पेड़ों पर। अब जैसे मुर्गी ऊपर बैठी है ना, ऐसे ही सभी के सभी पेड़ों पर बैठ जाते हैं, उस सुबह तक ऐसे बैठे रहते हैं। तो आपको हमारा ये जानवर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप जितने भी जानवर देख रहे हैं बिल्कुल देसी ब्रीड है, किसी भाई को चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9467801292। थैंक यू, धन्यवाद।